Hello students, how are you all? I hope you all are good. So, in our last class of EVS, we have studied about land transport. Land transport के बारे में हम लोग ने पढ़ा था. Now, in this video, we are going to study about water transport and air transport. Water transport क्या होता है और air transport क्या होता है? Now open your book page number 64. Look at page number 64. हम लोग ने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे सिटीज में कौन कौन से लैंड ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं, कौन कौन से विलेजेस में यूज होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था. नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वाटर ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं? बोट्स एंड शिप्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. बोट, शिप, ये सब क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है, जो सारी चीज़ें पानी में चलती हैं. वी ट्रेवल बाई बोट ऑन अ रिवर. हम बोट पे किस पे ट्रेवल करते हैं? रिवर पे. रिवर पे जब जाते हैं ट्रेवल करने तो किस पे बैठ के करते हैं? बोट पे बैठ के करते हैं. अ लार्ज बोट इज कॉल्ड अ शिप. जो बहुत ही बड़ी सी बोट होती है उसको हम क्या कहते हैं? शिप. देखिए ये पिक्चर बनी हुई है ना, तो इसको क्या कहते हैं? शिप. अ शिप सेल्स ऑन अ सी. शिप किस पे चलती है? सी पे चलती है. वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बाई अ शिप. तो हम शिप पे किस पे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाने के लिए किसका यूज करते हैं? शिप का यूज करते हैं. और शिप समुंदर में चलती है, सी में चलती है, ठीक है. अ शिप टेक्स पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम द सी पोर्ट. सी पोर्ट होता है, समुद्र के किनारे सी पोर्ट बना होता है, वहाँ से पैसेंजर्स मतलब कि ह्यूमंस जो रहते हैं और गुड्स मतलब कि सामान, दोनों चीज़ें जो है शिप लेके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती है. कहाँ पे और पैसेंजर्स और गुड्स को लेती है? वो सी पोर्ट पे लेती है. तो हमें अब क्या करना है? जो पिक्चर बनी हुई है उनके नेम बताने हैं. नेम द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. कौन सा ट्रांसपोर्ट है? वाटर ट्रांसपोर्ट. तो इनका नाम बताना है. ये कौन सी पिक्चर है? बोट. बी ओ ए टी, बोट. नेक्स्ट पिक्चर कौन सी बनी है? शिप. एस एच आई पी, शिप. ये हो गया क्या? वाटर ट्रांसपोर्ट. कौन सारी चीज़ें पानी में चलती हैं उनके बारे में. अब हम देखेंगे नेक्स्ट. एयर ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. वी कैन ट्रेवल इन एयर बाय एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स. तो हम हवा पे, एयर पे कैसे चल सकते हैं, कैसे ट्रेवल कर सकते हैं? किसके थ्रू? एरोप्लेन के थ्रू और हेलीकॉप्टर के थ्रू हम एयर में ट्रेवल कर सकते हैं. दे आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. ये सब क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है. एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन जो है वो सबसे फास्ट है, सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है. दे हेल्प अस टू सेव अ लॉट ऑफ आवर टाइम. ये किस में हमें हेल्प करता है? हमारे समय को बचाने में हमारी हेल्प करता है. एन एरोप्लेन लैंड्स एट एंड टेक्स ऑफ फ्रॉम एन एयरपोर्ट. एरोप्लेन क्या करता है? कहाँ पे लैंड करता है और कहाँ से उड़ता है? एयरपोर्ट से. एरोप्लेन जो है वो लैंड भी और उड़ता भी कहाँ से है? दोनों एयरपोर्ट से ही उड़ता है. एयरपोर्ट से उड़ता है और लैंड भी आके एयरपोर्ट पे ही करता है. हेलीकॉप्टर्स आर मोस्टली यूज्ड इन हिली एरियाज. हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हिली एरियाज में यूज़ किए जाते हैं. जो पहाड़ वाली एरिया होती है उसी में ही यूज किए जाते हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65. नेम द फॉलोइंग मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले कौन सी पिक्चर बनी है? एरोप्लेन. ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन. नेक्स्ट पिक्चर इज हेलीकॉप्टर. एच ई एल आई सी ओ पी टी ई आर,
हेलीकॉप्टर. नेक्स्ट देखिए, इन डेजर्ट एरियाज कैमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स. जो डेजर्ट वाली रेत वाली एरिया होती है तो वहाँ पे कैमल्स का मतलब कि ऊंट का यूज किया जाता है किसी भी चीज़ को लाने के लिए, चाहे वो ह्यूमंस हो, कोई भी पीपल्स हो या फिर कोई सामान हो, तो उसमें हम डेजर्ट एरिया में कैमल्स का यूज करते हैं. इन हिली एरियाज म्यूल्स एंड पोनीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स. हिली एरियाज में म्यूल्स और पोनीज का हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए. म्यूल्स और पोनीज का मतलब क्या हो गया? घोड़े वगैरह का यूज किया जाता है, घोड़ों का यूज किया जाता है किसी भी ह्यूमंस को या फिर सामान को पहुंचाने के लिए. इफ वी वॉन्ट टू ट्रेवल वेरी वेरी फार लाइक टू द मून, वी कैन ट्रेवल इन आर रॉकेट. अगर हमें बहुत ही दूर मतलब वेरी वेरी फार मतलब बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है, जैसे कि हमें मून पे जाना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं ट्रेवल करने के लिए? रॉकेट का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? रॉकेट का. डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प अस टू ट्रेवल फास्ट. अलग अलग ट्रांसपोर्ट जो है, अलग अलग साधन हमें अलग अलग चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं. जैसे हमें कहीं दूर जाना है तो हम फास्टेस्ट चीज़ का उपयोग करते हैं, अगर हमें कहीं पास जाना है तो हम वॉक का उपयोग करते हैं, नहीं तो साइकिल या फिर कार का यूज़ करते हैं. अलग अलग चीज़ों का हम यूज़ करके जाते हैं. दे हैव मेड अवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल. ये सब क्या किए हैं? हमारी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल और आसान बना दिए कि हम आराम से आ जा सकते हैं. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर. I hope you have understood it very well. So now look at the exercises. Okay students, here we have completed our chapter reading. I hope you have understood the chapter very well. Now look at the exercises. Exercise A, tick the correct answers. Exercise A kya hai? Tick the correct answers. Number 1, a vehicle with an engine is a. ऐसा कौन सा व्हीकल है जिसपे इंजन लगी होती है? A, bicycle. B, car. C, rickshaw. इन तीनों में से किसमें कौन से व्हीकल में इंजन लगी होती है? क्या बाइसाइकिल में होती है इंजन? नो, क्योंकि उसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं, पहिए लगे हुए होते हैं. B क्या है? कार. कार में इंजन होती है? यस. तो ऑप्शन नंबर बी कार इज करेक्ट एंड सी इज रिक्शा. सी रिक्शा में भी व्हील्स लगे हुए होते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जिसमें इंजन लगी होती है कार. नाउ लुक एट द सेकेंड नंबर. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन द सी इज. कौन सा ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो सी पे चलता है मतलब कि पानी में चलता है? ए, कार. कार वाटर में चलती है. बी, शिप. शिप वाटर में चलती है. या सी, रिक्शा. या रिक्शा वाटर में चलता है. तो न कार वाटर में चलती है ना रिक्शा वाटर में चलता है, बोथ आर लैंड ट्रांसपोर्ट. बट ऑप्शन नंबर बी शिप इज वाटर ट्रांसपोर्ट. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ लुक एट द थर्ड नंबर. The fastest means of transport is a and fastest means सबसे तेज means of transport कौन सा होता है? A, aeroplane. B, train. C, ship. इन तीनों में से सबसे fast है, सबसे तेज से कौन सा means of transport होता है? Yes, option number A, aeroplane. Aeroplane सबसे fast और सबसे तेज होता है. ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग टिक कर देंगे. नाउ लुक एट नंबर 4. नंबर 4 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स इन हिली एरियाज. मतलब इन तीनों में से जो ऑप्शंस गिवन
एरिया में ट्रेवल करते हैं और हिली एरियाज में म्यूल्स एंड पॉइंट्स का यूज करते हैं, मतलब हॉर्सेस का हम लोग यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर 5, यू हैव टू विजिट योर फ्रेंड हु लिव्स नियर योर हाउस, हाउ विल यू गो टू हिज और हर हाउस। तो आपके जस्ट बगल में ही या कुछ दूर पे ही आपके फ्रेंड्स रहते हैं, तो आप क्या करोगे, कैसे जाओगे उसके घर पे? ए गो वॉकिंग अलोन, ऑप्शन नंबर ए है, अलोन मतलब कि खुद ही अकेले चल के चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है गो वॉकिंग विद एन एडल्ट, किसी बड़े के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है गो इन अ कार, या फिर कार में जाएंगे। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, नियर क्या लिखा है, नियर योर हाउस, आपके घर के पास ही है, तो क्या करेंगे, गो वॉकिंग विद एन एडल्ट, किसी बड़े के साथ ही जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे और ना ही कार का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गो वॉकिंग विद एन एडल्ट, एडल्ट के साथ ही हम जाएंगे। So students, here we have completed our exercise A. You have to do it in your book and rest of the exercises we will do in our next session. That's all for today. Thank you.